हाँ वो आगे वाला क्या है? ये भी वही है जैसे सर सूती में लगाया है। ये कितना दिन पहले ये लगा है सर? ये तो बहुत दिन पहले लगा, अब तक बना ही नहीं। फर्स्ट लुक बिहार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ विवेक कुमार, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि नल जल योजना से लाखों घरों को स्वच्छ पानी दिया जा रहा है और लोग इससे काफ़ी खुश हैं। लेकिन आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिला के बल्थी पंचायत के रसलपुर गांव में वार्ड संख्या 9 में नल जल योजना के तहत लोगों को पानी नहीं मिला। आपको बता दें कि जल स्तर नीचे जाने की वजह से लोगों को जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। वहीं कहीं नल में पानी दूषित हो गई, जिसको लेकर जो वार्ड के महादलित के लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है और वो सरकार के ऊपर जो दावा कर रही है कि लोगों को स्वच्छ जल मुहैया करा जा रहा है, वहीं सरकार का दावा इस वार्ड में फेल नजर आता है। अब सरकार की नाकामी कहिए या अधिकारी की मनमानी कहिए, इन लोगों को फिलहाल काफ़ी परेशानी हो रही है। इनका मात्र एक साधन है, वो भी एक निजी चापाकल है, जिनके यहाँ यह जाकर ये लोग बोतल और बाल्टी में पानी भरकर नहाने और खाने पीने का पानी यहाँ से उपलब्ध कराते हैं। लेकिन नल जल योजना को लेकर जो इन लोगों को सुविधा दी गई थी, इन लोगों को फिलहाल यह नहीं मिल रही है, जिससे काफ़ी लोग परेशान है। और गर्मी तो देख सकते हैं किस तरीके से बढ़ी है, इसमें पानी की अगर आपूर्ति न हो तो लोगों को किस तरीके से परेशानी हो सकती है अब तो समझ सकते हैं। लेकिन इस पर किसी अधिकारी का ध्यान नहीं गया। उनका कहना है कि कई अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, लेकिन अधिकारी कोई भी इस काम को ध्यान में नहीं दिए और कोई इस काम को नहीं करवा रहे हैं, जिसको लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। महादलित की बस्ती के लोग क्या कुछ कह रहा है ये पहले सुनिए। कितना दिन पानी आया है? दूसरे तीन दिन आए कहीं तीन चार दिन आए तो बाद से बंद भले तो कहें एमड़े के पानी अभी आने एमड़े जो। ये कितना दिन पहले से लगा हुआ था? एक साल पहले। एक साल से ज़्यादा हो गई बनी भैया, दो साल हो गए, दो साल हो गए नहीं बैठा रहा। दो साल हो गया, उसमें चार दिन पानी आया। हाँ चार पाँच दिन आने के बाद बंद हो गया। क्या नाम हुआ क्या आपका? सुमिंदर राम। ये आपका मकान है? हाँ हमारा मकान है। क्या ये पाइप लगा तो इससे पानी आया कि नहीं आया? कभी नहीं आया आज तक। आज तक पानी नहीं आया, सिर्फ पाइप नाम के लिए लगा? नाम के लिए लगा, लगाया तो बहुत दिन पहले, बट पानी कभी आया ही नहीं, एक बूंद भी नहीं पानी आता इसमें। तो आप लोग पानी कहाँ से पीते हैं? दूसरे कल से काम चलाते हैं या मतलब खरीद कर पीने वाला पानी तो खरीद कर पीते हैं। तो इसके खिलाफ कहीं कंप्लेन किए नहीं वार्ड को? मुखिया के तो नहीं बोले, वार्ड को बोले, बहुत बार बोले, पर वार्ड सुनता ही नहीं कोई बात। क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र पासवान। ये क्या है, ये पानी का पाइपलाइन है क्या? जी सर पानी का पाइपलाइन है। वो आगे वाला क्या है? ये भी वही है जैसे सर सूची में लगाया है। ये कितना दिन पहले ये लगा है सर? ये तो बहुत दिन पहले लगा, अब तक बना ही नहीं है। जब से लगा है तब से इसी तरह है? इसी तरह है। और भी कहाँ है इस तरह का पाइप? ये दिखाते हैं और भी। एक यह है, यह है, एक यह है। सिर्फ पाइप डाला गया, टोटी नहीं लगाया गया? कितना दिन पहले लगा था ये पाइप आपके यहाँ? से बहुत दिन पहले से पाइप लग लेते हैं, पानी तनको नहीं गिर रही है। पाइप वैसी लगा के छोड़ दिया गया? वैसी लगा नहीं पाया। ये कितना नंबर वार्ड है? नौ नंबर। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है आशा देवी। तो आपने सुना कि महादलित के बस्ती के जो लोग हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने बताया कि दरअसल काफ़ी दिनों से नल जल योजना के तहत यहाँ पानी नहीं आ रहा और जो भी नल में पानी आता है वो दूषित है और जिससे काफ़ी परेशानी हो रही है। मात्र एक निजी चापाकल है जहाँ से ये लोग भारी संख्या में जाकर बोतल और ड्राम में पानी भरते हैं, इसी से नहाने और खाने का काम चला रहे हैं। लेकिन काफ़ी इनकी परेशानी है। आपको बता दें कि नल जल योजना जो सात नीचे योजना के तहत लोगों को स्वच्छ पानी देने का सरकार दावा कर रही है, यह दावा यहाँ पर फेल हो रहा है। आपको बता दें कि 9 वार्ड संख्या 9 में बथलती रसलपुर गांव का यह पूरा मामला है और जिसको लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।